हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ आपके पुराने कपड़े में आप किस तरह से चेन लगा सकते हो। जैसे ये ट्रक सूट है और यहाँ पे ये चेन लगा हुआ था जो खराब हो चुका था, तो मैंने इसको निकाल दिया है। और अब ये इस तरह से है, आप लोग देख सकते हो। इसको मैंने पूरा दोनों साइड से निकाल दिया है क्योंकि इसका चेन खराब हो गया था। अब इसी में हम लोग नया चेन लगाएंगे, ये वाला। तो ये चेन जो है बिल्कुल इसके मेजर का है, लंबाई में ये बिल्कुल इसका जितना लेंथ है फैब्रिक का उतना ही है, मतलब जितना तक मुझे चाहिए चेन उतना ही है। तो मैं इसको कट भी नहीं करने वाली हूँ, ऐसे ही हम लोग लगाएंगे। तो किस तरह से लगाएंगे आज इस वीडियो में हम वही देखेंगे। तो यहाँ पे मैं मार्क लगा देती हूँ कि ये मेरी चेन की सीधी साइड है दोनों साइड में और ये उल्टी साइड है, ताकि जब मैं लगाऊं तो मुझे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क लगा दिया है। आई होप कि आप सबको दिख रहा हो, मैचिंग चौक है तो दिखेगा नहीं उतना। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग चेन को खोल देते हैं क्योंकि हम लोग अलग अलग लगाएंगे। तो ये इस तरह से खुल जाता है आसानी से। तो सबसे पहले इस साइड में मेरा ये चेन वाला पार्ट आएगा, यानी ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मार्किंग मेरा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे अटैच हुआ था पहले चेन, तो वो मार्किंग दिख रहा है। मैं उसी के ऊपर मैं करने वाली हूँ सिलाई। तो ये मेरा सीधी साइड है चेन का और ये उल्टा साइड है। तो मैं कपड़े के सीधी साइड में चेन की सीधी साइड को रख रही हूँ इस तरह से। इसको इस तरह से कर देते हैं, इस तरह से मैं रखूंगी यहाँ पे और फिर मैं इसके बिल्कुल पास में स्टिचिंग लगा दूंगी। फिर जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर हम लोग इसको इस तरह से पलट देंगे तो ये सीधी साइड आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये उल्टा साइड है चेन का, ठीक है, और ये सीधा साइड है। सीधा साइड को हम लोग फैब्रिक के सीधे साइड में रख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और मैंने यहाँ पे सिंगल फूटर का मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये इजी रहेगा हम लोगों के लिए और हम लोग को अच्छा से दिखेगा। तो इसके लिए तो चेन की सीधी साइड को फैब्रिक की सीधी साइड में इस तरह से रख दिया। अब हम लोग इसके सामने में, बिल्कुल सामने में स्टिच करना है। यहाँ पे थोड़ी सी हमें परेशानी हो सकती है, तो हम यहाँ पे टाँका लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे सिलने वाला नहीं है। तो हमें इस तरह से रखना है इसके ऊपर में, बराबर में आपको देखना है और फिर इस तरह से स्टिच करते हुए जाना है आपको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोग का स्टिचिंग हो रहा है, इतना डिस्टेंस है। बाद में हम लोग इसको कवर कर देंगे इस तरह से, बिल्कुल आराम आराम से करना है क्योंकि आपकी अगर स्टिचिंग इधर उधर हो जाएगी तो फिर आपका चेन भी इधर उधर होगा। तो इसके लिए इसको हम लोग उस साइड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग नेक में पहुंच चुके हैं। तो अभी हमें इसी तरह से यहाँ पे इस तरह से स्टिचिंग करना है, वैसे ही रखना है सेम, कुछ ज़्यादा इधर तो नहीं करना है, बस आपकी सिलाई सीधी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं लॉक, तो इस तरह से अभी ये हो चुका है, हमने एक सिलाई कर लिया है। अब हम लोग इसको पलट देंगे इस तरह से और यहाँ से फैब्रिक रखते हुए हम लोग इसके ऊपर में और एक स्टिचिंग लगा देंगे ताकि ये अच्छे से सेट, यानी यहाँ पे टिक जाए, ठीक है, सेट हो जाए इसके लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे फैब्रिक को हल्का सा इस तरह यहाँ पे इस तरह करके स्टिचिंग लगाएंगे इसके ऊपर में। आपको इतना डिस्टेंस रखना है चेन और फैब्रिक के बीच में ताकि ये आपका जो चेन का लॉक है वो आसानी से इस तरह से रनिंग कर सके, ठीक है। ज्यादा गैप नहीं रखना है, बस उतना ही रखना है कि आपका चेन
इस तरह से आप देख सकते हो कि रन इतना कपड़ा इस तरह से ऐसे करके आप देख सकते हो कि आपका जो चेन है वो रनिंग कर रहा है अच्छा से या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मेरा आप लोग देख सकते कि ये तो ये रनिंग कर रहा है अच्छा से यहाँ पे, तो इतना ही मैं ले रही हूँ देख देख के ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो और मुझे दोबारा से खोला ना पड़े, इसीलिए मैं चेक कर रही हूँ। अब मैं चेन को उस साइड कर लेती हूँ। इसी तरह से हम लोग पूरी में कर लेंगे स्टिचिंग। एक ही बार में स्टिचिंग पूरा नहीं लगाना है, आपको कपड़े को सेट करते हुए जाना है और फिर स्टिचिंग लगाना है ताकि आपको खोलना ना पड़े स्टिचिंग, इसलिए। तो यहाँ पे नेक में हम लोग पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से अभी हम लोग यहाँ पे इधर कपड़ा बचा हुआ है तो इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी चेन खत्म हो चुकी है और बाकी साइड में हम लोग इस तरह से स्टिचिंग लगा रहे हैं ऐसे ही ताकि जब हम लोग इसको फोल्ड करेंगे तो ये फिनिशिंग के साथ आएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि एक साइड हमारी जो चेन है वो लग चुकी है। अभी हम लोग इसके और इसके डिस्टेंस में, हाफ इंच की डिस्टेंस में या 0.25 की डिस्टेंस में और एक स्टिचिंग लगा देंगे ताकि ये अच्छे से इस तरह से सेट हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं और एक स्टिचिंग लगा रही हूँ लगभग 0.25 की डिस्टेंस में यहाँ से। तो यहाँ पे हमने इस तरह से कपड़ा को फोल्ड करके रखा था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हल्का सा हम लोग का चेन आप लोग को दिख रहा होगा तो इसको इस तरह से अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ पे इस कपड़े को इस तरह से कर देंगे जो यहाँ से हम लोग का सिलते हुए इसको लॉक कर देगा, ठीक है। जब आप इस फैब्रिक को दूसरी साइड मोड़े रॉन्ग साइड तो आपको इस बात का ख्याल रखना कि यहाँ पर भी डिस्टेंस होना चाहिए वरना आपका जो चेन है लॉक है वो इस यहाँ पे फंस जाएगा, ठीक है, कपड़े में फंस जाएगा और वो ऊपर को नहीं आएगा, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। चेन जो है लग चुकी है, अब हम लोग दूसरा साइड का भी इसी तरह से लगाएंगे। इसमें भी हमने मार्क लगा दिया था चेन की सीधी साइड का, तो यह हम लोग का चेन का सीधी साइड है। तो फैब्रिक की सीधी साइड में चेन की सीधी साइड को इस तरह से रखेंगे और पहला वाला जैसे हमने स्टिचिंग लगाया था उसी तरह से इसमें भी स्टिचिंग लगाएंगे। तो जैसा हमने पहले वाले को लगाया था उसी तरह से मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। अब इस तरह से इसको हम लोग फ्रंट साइड में लाएंगे और फिर इसके ऊपर में जैसे हमने पहले वाला स्टिच किया था उसी तरह से हम लोग इसको भी स्टिच कर लेंगे यहाँ पे। फ्रेंड्स जब आप दूसरी साइड की चेन स्टिच करें तो आपको ऊपर से करना है स्टिचिंग क्योंकि आपके जो फुट का साइड है वरना वो आपके चेन के ऊपर में चढ़ जाएगा और यहाँ से आपका चेन जो है वो टूट भी सकता है, तो इसलिए हम लोग ऊपर साइड से नेक्स्ट साइड से स्टिचिंग लगाएंगे, ठीक है। पहले लॉक कर देना है, उसके बाद जैसे पहले वाले में किया था उसी तरह से हम लोग इसमें भी करेंगे। इसमें भी आपको थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखना है ताकि आपका जो चेन का लॉक है वो आपका यहाँ पे रनिंग करे, ठीक है, वरना आपके कपड़े में फंस जाएगा फिर वो
आगे पीछे नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, इस साइड का भी हमारी जो चेन है वो लग चुकी है। अब मैं आपको इसको लगा के दिखाती हूँ। सो हमारी जो चेन है इसके अंदर इस तरह से जाएगी, फिर ये इस तरह से लॉक होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि ये इजीली लॉक हो रहा है, यानी कहीं भी हम लोग का जो फंस नहीं रहा है, क्योंकि कपड़ा और चेन का डिस्टेंस सही है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कपड़ा और चेन का जो डिस्टेंस है बिल्कुल आपको सही रखना है, वरना आपका यहाँ पे कपड़े के बीच में आपका चेन आ जाएगा, फिर वो आगे को नहीं जाएगा, ठीक है, या पीछे को नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको इस तरह से डिस्टेंस का ख्याल रखना और इस तरह से चेन लगाना है। तो फ्रेंड्स, आज का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।